इसराइल में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा करनी पड़ती है। साध्वी रितंबरा ने हिंदुओं से दो बच्चों की सोच से बाहर आकर कम से कम 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। हर हिंदू को अब 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रामोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राम रूपी वेश धारण किए हजारों की संख्या में बच्चे शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुई साध्वी रितंबरा ने हिंदुओं से दो बच्चों की सोच से बाहर आकर कम से कम 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। रामोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी रितंबरा ने कहा कि हर हिंदू को अब 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनमें से 2 बच्चे परिवार के लिए रखें और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और विश्व हिंदू परिषद यानी VHP को सौंप देने चाहिए ताकि वे राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सके। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। इसराइल से प्रभावित है साध्वी रितंबरा का बयान, जहां हर नागरिक को देनी होती है सेना में सेवा। इसराइल में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा करनी पड़ती है। सिर्फ धार्मिक सेवारत, विकलांग या मनोरोगियों को इससे छूट है। पुरुषों के लिए समानता यह अवधि 2 साल 8 महीने की होती है और महिलाओं के लिए 2 साल की होती है। इसराइल सरकार की प्रवक्ता शैली एशकोली ने साफ किया, प्रशिक्षण हासिल करने वाले हर शख्स को सेना की जरूरत के मुताबिक सेवा देने के लिए तैयार रहना होता है।